डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास? सिंपल के हमारे पास कितनी इक्वेशंस गिवन है और उसमें कितने अननोन है हमारे पास, मतलब हमारे पास x1 x2 x3 x1 -2, अभी हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है, ये हमारे पास तीन इक्वेशन गिवन है और इसमें हमारे पास तीन अननोन है, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास? थ्री, कि हमारे पास थ्री इक्वेशन है और इसके हमारे पास थ्री अननोन है। अब इसको हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसको अपने मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखना है? इसका हम एक मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं, इसको हम ए कह रहे हैं। अब उसमें हम क्या करेंगे, हर जो हमारे पास जो वेरिएबल है जिसको हमने फाइंड करना है उसके जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है ना उनको हम इसी तरह लिख दें, मतलब कि पहले का हमारे पास 1 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में, 3 1 1 1 है, ये -1 3, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया जिसको हम सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में जो लिख रहे हैं, ये असल में कैसे आया, हमने सिर्फ इतनों का मैट्रिक्स अगर हमने बनाया 1 2 3 1 -1 5 1 3 -1, ये हमारे पास जो उसके कोएफिशिएंट्स थे वो थे, ये हमारे पास x1 x2 x3 थे और ये हमारे पास इक्वल क्या था, 1 0 5, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। ये जो इक्वेशन थी इसको हमने इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में ही ये इक्वेशन भी बना देगा। तो इस हमने मैट्रिक्स की फॉर्म को अब x1 2 को हमने निकाल दिया और इसको हमने कंबाइन करके ये लिख दिया, मतलब कि ये जो ये लास्ट कॉलम है हमारा, ये असल में हमारा इक्वल के बाद जो नंबर्स है ना ये उसका कॉलम, मतलब ये हमारे पास रिजल्ट वाला कॉलम है और जो इससे पहले है वो हमारे पास कोएफिशिएंट है। अब हमें पता है कि ये रो जो है हमारे पास ये x1 के लिए है, ये x2 के लिए, ये x3 के लिए, मतलब कि इनके साथ x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये हम यहां से देख भी सकते हैं ऊपर हमने जो इक्वेशंस बनाई है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसमें हम अप्लाई करते हैं रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है अब इसको सॉल्व करना है तो हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके हम इसको दो फॉर्म है हमारे पास, एक है हमारे पास एप्सिलॉन फॉर्म और एक है हमारे पास रिड्यूस्ड एप्सिलॉन फॉर्म। एचलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म क्या है हमारे पास, हमने ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे करके इसको ये बनाना है, तो ये देख लेते हैं कि पहले ये हमारे पास है क्या। जो हमारे पास फर्स्ट वाला है एचलॉन फॉर्म, उसमें हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास वो 4x4 का मैट्रिक्स है, तो ये हमने 4x4 का ही मैट्रिक्स बना दिया। अब इसमें हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री क्या है हमारे पास, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, फर्स्ट मतलब रो का फर्स्ट जो नॉन जीरो नंबर होगा, जैसे उस केस में हमारे पास 1 है तो वो हम 1, उसके नीचे हमने सारे नंबर 0 करना है, ये 3x3, उसके नीचे उस कॉलम में फर्स्ट एंट्री हमारे पास जो भी होगी उसके नीचे हम सारे नंबर 0 कर दें, इसके अब वो फर्स्ट रो हमारे पास वैसे की वैसी ही है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड रो में लीडिंग एंट्री है, अब वो लीडिंग एंट्री हमारे पास -1 है, बाकी इसके नीचे भी सारे अब 0 कर देने, और लास्ट हमारे पास -1 है, तो ये हमारे पास सेम है। तो ये हमारे पास एचलॉन फॉर्म है जिसमें हमने लीडिंग एंट्री के नीचे सारे जो नंबर्स हैं उनको हमने 0 कर दिया, जैसे इसकी लीडिंग एंट्री ये है, एक ये लीडिंग एंट्री है, एक ये लीडिंग एंट्री, तो ये हमारे पास एचलॉन फॉर्म है। अब जो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म है वो इसी की फर्दर हम सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, लीडिंग एंट्री हमेशा 1, इसमें के मतलब 1 थी क्योंकि हमें इक्वेशन में गिवन था, लेकिन अब इस केस में हमारे पास हमेशा 1 होनी चाहिए, 1 इसके साथ हमारे पास 0 और 0, मतलब इसके नीचे भी हमारे पास 0, प्लस अब हमारे पास सेकंड लीडिंग एंट्री इधर भी 1 होनी चाहिए और उसके ऊपर नीचे मतलब पूरा कॉलम हमारा 0 होना चाहिए, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वो भी हमारे पास 0 और इसके ऊपर भी हम, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी आ सकता है क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, असल में इसमें भी हमारे पास ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको हम x1
एक्स ना कहें हम वो सेम है, तो ए बी सी अब हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने इस पे रो ऑपरेशन किए हैं तो ये चेंज होंगे, ये चीजें भी चेंज होंगी, इसको भी आप जो है ना एक्स प्राइम और एक्स डबल प्राइम कह लें, और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास चेंज होगी, ये सेम रहेगी और ये वैल्यू सारी हमारे पास चेंज होगी, सिमिलरली सोल्यूशन भी चेंज होगा, और इसका भी हमारे पास सोल्यूशन चेंज होगा, तो ये हमारे पास रिड्यूस फॉर्म बन गई। अब अगर आप इसको सिंपलीफाई सिंपल देखें तो ये लास्ट इक्वेशन थी हमारी, उसी को हमने सिंपलीफाई किया है, तो हम इसको कह सकते हैं -x3, क्योंकि ये हमारे पास x3 का था, ये x2 का था, ये x1 का था, तो इस इक्वेशन से हम सिंपलीफाई कह सकते हैं कि -x3 इज इक्वल टू सी सी, कोई भी नंबर होगा, तो इससे हमारे पास डायरेक्ट x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब वो x3 आप इस नंबर के साथ डालेंगे और हमारे पास ये अननोन, अब हमारे पास x2 है, वो x2 आ जाएगा, उसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में डालेंगे जिसमें अननोन हमारे पास सिर्फ x1 है, तो हमारे पास x1 आ जाएगा। इधर और सिंपल है, हमारे पास ये x3 है, ये हमारा z के इक्वल है, x2 हमारा y के इक्वल है, और x1 हमारा x के इक्वल है, ये हमारा सिंपली ये जो चीज है अब ये हमारा सोल्यूशन बन गया, मतलब कि ये x1 x2 x3 का हमारे पास सोल्यूशन वेक्टर एक बन के तैयार हो गया। अब हमने इन मैट्रिक्स जो भी हमें गिवन होगा उस पर हमने रो ऑपरेशन करने हैं। अब रो ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, सबसे जो पहला आपने काम करना है कि जो हमारे पास जीरोस वाले रो हैं, जीरो उनको हमने नीचे ले जाना है सबसे, मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी रो है जो स्टार्ट ही जीरो से हो रही है तो उसको आप सबसे बॉटम पे ले जाए, ये हमारे पास पहला, मतलब कि अगर यहां हमारे पास इस केस में यहां ये जीरो होता तो सबसे पहले काम आपने करना था इस इक्वेशन को पहले ही लास्ट में लिख दे, मतलब मैट्रिक्स को दोबारा लिख के इस इक्वेशन को लास्ट, पूरी इक्वेशन को लास्ट पे आप ले जाए, पूरी रो को लास्ट पे ले जाए। इसके बाद हम क्या करते हैं, असल में ये इसको हम कहते हैं इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब हम एक रो को दूसरी रो से चेंज करें। अब आप खुद ही देखिए, अगर ये हमारे पास इक्वेशन है इसको हम ऊपर नीचे जैसे भी लिखें, इससे हमारे पास जो सोल्यूशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास पहला हो गया इंटरचेंज। उसके बाद हम क्या करते हैं, रो एडिशन, रो एडिशन क्या है, हम फर्स्ट रो में हम इसको अगर सिंपली सॉल्व करना चाहें, हम इधर जीरो लाना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो रो 3 है हमारे पास इसमें से हम अगर रो 1 माइनस कर दें, तो रो 3 हमारे पास ये है, इसमें से रो 1 पूरी माइनस कर दें, तो यहां हमारे पास 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यहां हमारे पास 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और यहां हमारे पास -1 -3 -4 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 3 हमारे पास 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक नई रो बन जाएगी जिसमें हमारे पास ये जो हम एचलन फॉर्म की तरफ जा रहे हैं उसका हमारे पास पहले ही कॉलम पूरा आ गया, तो ये हमारे पास रो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम इस तरह करते हैं कि हम पूरी एक रो से कोई भी ऊपर नीचे दूसरी, मतलब कि कोई भी दूसरी रो हम माइनस या ऐड करवा सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास रो मल्टीप्लीकेशन, अब ये जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है ये हमारे पास स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या कि हम इस पूरी एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब हम अगर हमने ये है, मतलब इसको अगर हमने 1 चेंज करना था ये वाले को, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से, मतलब डिवीजन असल में 1/2 है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। इस तरह अगर हमने अब यहाँ पे इसको इसको हमने चेंज करके 1 लाना होता तो हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते, तो हर एक जो वैल्यू है ना वो हमारे पास उस स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगी। इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि 2R2, मतलब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, या अगर कोई भी डिवाइड करना है तो 1/2R2, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 3 रो ऑपरेशन है। अब ये यूज करके आपने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, और फिर हमारे पास सिंपल जो इक्वेशन 3 बन जाएगी, x3 हमारे पास डायरेक्ट इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्योंकि ये एक अननोन था, यहाँ पे 2 अननोन थे, यहाँ पे 3, जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स बढ़, लेकिन हम पिछली इक्वेशन से इसका अब हमारे पास आंसर है वो इसमें डालेंगे, इन दोनों का आंसर हम इसमें डालेंगे, तो ये हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इसको सिंपल मतलब और रिड्यूस करेंगे, तो अगर यहां पर भी आप जीरोस लाएंगे तो हमारे पास
डायरेक्ट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमारे पास जो लास्ट हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो थे बेसिक रो ऑपरेशंस थे, हम क्या मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस एचलॉन और एचलॉन फॉर्म में लिखना है और उससे हमने सोल्यूशन निकालना है। अब हम दो या दो से ज्यादा भी हमारे पास इक्वेशन हो सकती हैं, ये हमारे पास पांच छह इक्वेशन हो सकती हैं, तो इसका मेथड साथ सेम है। आपने सिंपल रो ऑपरेशन करके इसको एचलॉन या रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में लेके आना है और उससे हमारे पास जो है ना लास्ट कॉलम पे हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हमारे पास जो इसके आंसर हैं वो हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन आ सकते हैं, एक हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन होता है और एक हमारे पास नॉट ट्रिवियल। ये हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं। अब सोल्यूशन देखने से पहले अगर हम देख लें कि हमारे पास जो इक्वेशन है, अब वो भी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक हमारे पास है कंसिस्टेंट और एक हमारे पास है इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो अब हमारे पास x1 के लिए भी कोई इस कॉलम में x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है, तो हमारे पास सोल्यूशन है। अब इसका हमारे पास आंसर आएगा, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई सोल्यूशन सेट आएगा, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट है। लेकिन इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है, अगर यहां हमारा पूरा एक रो जो है हमारे पास वो जीरो की, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि x1 भी जीरो, x2 भी जीरो, x3 भी जीरो और आंसर हमारे पास कुछ आ रहा है, तो ये हमारे पास जो केस है ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। मतलब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं इसको जब हमने सिंपलीफाई भी अगर कर लिया तो हमारे पास ये तीनों जीरोस दे रहे हैं और ये इक्वल टू कुछ आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास केस है इनकंसिस्टेंट का, मतलब कि ये अब हमारा जो मैट्रिक्स है, जो हमारा सॉल्यूशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, वो हमारी इनकंसिस्टेंट है। अब ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ट्रिवियल सॉल्यूशन वो केस है जब हमारा एक्स वन एक्स टू x3 तीनों की वैल्यू हमारे पास जीरो है, ये हम ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम होमोजीनियस इक्वेशन, ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन आपको पता क्या होती है, जिसमें हम सिंपली इक्वल टू जो जीरो हमारे पास लिख देते हैं तो वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास x1, x2, x3 तीनों हमारे पास जो वेरिएबल हैं जो फाइंड करने हैं वही उनकी वैल्यू अगर हमारे पास जीरो के इक्वल हो तो ये हमारा ट्रिवियल है, और अगर हमारे पास x1, x2 और x3 हमारे नॉन जीरोज हो तो ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब इसमें मतलब ए मैट्रिक्स आपको दिया होगा और हमारे पास जो लास्ट हमारा जो कॉलम बनेगा, जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन देख लें, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स हमारे पास क्या है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और इक्वल टू हमारा है जीरो जीरो जीरो। तो अब इसमें जब हम सॉल्व करने के लिए जब हम एक फाइनल मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, ये पूरा वन थ्री फाइव टू वन जीरो जीरो वन थ्री और लास्ट कॉलम हमारा ये होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास रो ऑपरेशन अगर आप लगाएं तो सबसे पहले इसको हमने जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो ऑपरेशन हमारा क्या होगा के आर टू माइनस टू आर वन, रो टू में से हम टू टाइम्स आर वन को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट इधर ही कर दूं साथ चले तो ये हमारे पास टू माइनस टू जीरो, ये हमारे पास जीरो आ गया, वन माइनस थ्री टू जर सिक्स, वन माइनस सिक्स आ गया, ये हमारे पास माइनस फाइव आ गया, जीरो माइनस टेन तो ये हमारे पास माइनस टेन आ गया और लास्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हमारा फर्स्ट रो ऑपरेशन और ये हमारा पूरा कॉलम जीरो का आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, वन करना है, तो जो हमारा सेकेंड रो ऑपरेशन है वो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस वन ओवर फाइव आर टू, मतलब हम इस पूरी इक्वेशन को फाइव माइनस फाइव से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब इसको माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वन आ जाएगा और ये हमारे पास टू आ जाएगा।
अब हमने क्या करना है, इसको जीरो करना है, तो अब थर्ड रो ऑपरेशन हमारे पास क्या होगा, आर थ्री माइनस आर टू कर, तो ये हमारा वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस टू वन, तो अब ये हमारे पास एचलॉन फॉर्म बन गई। अब इसमें हम देख सकते हैं कि x3 इज इक्वल टू जीरो है लास्ट इक्वेशन से, वो इधर डालेंगे तो हमारे पास x2 इज इक्वल टू जीरो और x1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये तीनों हमारे पास जीरो आए हैं, तो ये हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब नॉन ट्रिवियल किस केस में बनेगा, जब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास x में कोई वेरिएबल, मतलब हमारे पास अननोन्स कम है, मतलब हमारा x3 सपोज करें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में वो आ जाता है x1 के इक्वल, x1 को हम x1 ही लेंगे और इसको सपोज करेंगे हमारे पास 3x1 मैच। अब इसमें हम x1 की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उससे हमारे पास x3 की कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगी वो जीरो नहीं आएगी, तो वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल का केस होता है। यहाँ पर तो हमारे पास इक्वेशन यही हम सॉल्व करें ax is equal to b ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसा केस आ गया हमारे पास के जो हमारे पास x3 है वो x1 की फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, तो वो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने देखा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन बना के एक, मतलब इस फॉर्म में, अब इसमें ax is equal to अगर b होता हमारे पास, b कोई भी सॉल्यूशन मैट्रिक्स है और वो b अब हमारे पास जीरो नहीं होगा, अब हमारे पास सपोज करें थ्री फाइव वन, अब इसको हम सिंपल उसी तरह सॉल्व करेंगे, इस पर रो ऑपरेशन लगाएंगे और x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल देंगे। अब ये जो हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कुछ डायरेक्ट जो है ना मैट्रिसेस बन जाते हैं स्पेसिफिक उनके नाम है, एक है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर में भी हमारे पास अब दो केस हैं, एक है अपर और एक है लोअर। अब अगर हम थ्री क्रॉस थ्री ही सिंपल देख लें तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि हमारे पास एक जीरो जो हमारे पास एंट्रीज है उनका एक ट्रायंगल बन जाए, मतलब कि ये जीरो है ये जीरो ये जीरो, तो ये हमारे पास, ये हमारे पास इधर कोई नंबर ए बी सी डी इनको कह देते हैं, ये हमारे पास ए, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रही है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल। अब ये हमने जो एचलॉन फॉर्म बनाई है वो असल में एक सिंपल इसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से किया, मतलब एचलॉन फॉर्म इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब वो हमने कैसे बनाते हैं वो देख लिया, तो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल, और लोअर ट्रायंगुलर क्या है हमारे पास कि जो ट्रायंगल है वो हमारे पास इधर बनेगा, अब जो इधर हमारे पास ये ट्रायंगल बना है ये हमारे पास लोअर ट्रायंगल के, हमारा जो मैट्रिसेस है वो जब ट्रायंगल के ऊपर है तो अपर ट्रायंगल और जब उसके नीचे हैं तो ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ मैट्रिक्स की जो है ना जनरल फॉर्म है जिसमें हमारे पास तो पूछ सकते हैं कि हमारे पास बताएं कि मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं, सबसे पहले हमारे पास है सिमेट्रिक और इसके ऑपोजिट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कब होगा हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक के केस में अगर वो हमारा मैट्रिक्स जो है ए उसका अगर हम ट्रांसपोज लें और वो दोबारा ए आ जाए, कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें वो दोबारा ए आ जाए तो वो हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो हमारे पास माइनस ए आ गए तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अब जरूरी नहीं हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ये भी स्पेशल केसेस है। अब वो हम चेक करेंगे अगर ट्रांसपोज लें हम उस मैट्रिक्स का और वो दोबारा ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, और अगर वो माइनस ए आ जाए तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद है एक हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक एक इसी के ऑपोजिट हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन। अब ये जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है ये है मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब के अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये अब हमारे पास इसमें आयोटा की टर्म आ रही है, ये हमारे पास उस केस में ये दो मैट्रिक्स हमारे पास। तो जो पहला अब हमने पढ़ा है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज हम लें तो वो हमारे पास ए आए, लेकिन ए सिंपल नहीं, ए के ऊपर बार लगाई हुई है, इसका क्या मतलब है हमारे पास के ए का कॉन्जुगेट, ए के कॉन्जुगेट का हम ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा हमें ए दे
और इस केस में हमारे पास ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास माइनस ए दे। तो ये हमारे पास हर्मिशन और ये हमारे पास स्क्यू हर्मिशन की जो है ना कंडीशन है। ये हमारे पास जो बार लगी हुई है इसका मतलब है कॉन्जुगेट, मतलब हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, ए हमारा मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास आयोटा 2, 3 माइनस आयोटा 1, 5 आयोटा, ये हमारे पास अभी इसको 2x2 ही देख लेते हैं इसका उस केस में। अगर हमने इसका ट्रांस इसका जब हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, इसका अगर हम कॉन्जुगेट फाइंड करें तो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता था कि हम सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करते हैं, मतलब ये माइनस आयोटा 2 वैसे का वैसे ही, 3 प्लस आयोटा 1 माइनस 5 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा। अभी ये क्योंकि 2x1 3x2 मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास ऑब्वियसली ये सारा जो हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं ये हमारे पास सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। 2x2 नहीं सॉरी, हमारे पास सिंपल जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब n क्रॉस n के, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इक्वल हो, उसमें ये कंडीशंस हम चेक कर सकते हैं। ये तो सिंपल एग्जांपल दिया मैंने कि हमारे पास सिंपल जो a अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स है तो उसका जो हमारे पास कॉन्जुगेट है वो क्या होगा। लेकिन ये जो दोनों के केस हैं ये सिर्फ हम तब चेक करेंगे जब हमारा मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो ये सब कुछ मैट्रिसेस में इतना ही है। हमने मैट्रिसेस में क्या क्या देखा, हमने मैट्रिसेस की एडिशन देखी, मल्टीप्लीकेशन देखी, हमने उसका इनवर्स फाइंड करना सीखा। इनवर्स में हमने क्या देखा कि 1x1 का इनवर्स क्या है हमारे पास, इनवर्स में बल्कि हमारे पास अब दो चीजें आ गई, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट। 1x1 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2x2 का, 3x3 का भी हमने आज देखा। एडजॉइंट हमने 1x1 का तो एडजॉइंट सेम वही होगा, और 2x2 का हमारे पास क्या होगा हमने देखा, 3x3 का कैसे निकालते हैं, उसमें कोफैक्टर और माइनर यूज करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हमने रो ऑपरेशन लगा के उसको एचलॉन और रिड्यूस एचलॉन में फॉर्म में लेके जाना है। अब अगर क्वेश्चन देखें, देखने में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब जो हमारे पास जो आइडेंटिटीज है जिससे हमें डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, अब वो 2-3 आइडेंटिटीज है हमारे पास। पहली हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसके हमारे पास 2 आइडेंटिकल रोज और कॉलम, इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका दोनों रोज सेम है, मतलब कि ये ए बी सी, तो ये भी हमारे पास ए बी सी, हमारे पास डी एफ ओ, तो ये जब हमारे पास दो रो या दो कॉलम भी हमारे पास सेम हो तो इस केस में हमारे पास डिटरमिनेंट इसका डायरेक्ट जीरो है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई भी एक रो और कॉलम हमारे पास जीरो का हो तो इसमें भी हमारे पास ए डिटरमिनेंट जीरो है, मतलब कि अगर हमारे पास ये लास्ट वाला मैट्रिक्स सारा, ये अब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लास्ट मैट्रिक्स लास्ट कॉलम होता है वो हमारे पास असल में रिजल्टेंट का होता है। ये अब हम सिंपल मैट्रिक्स, इसमें अगर हमारे पास कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम हमारा जीरो के इक्वल होता तो हमारे पास डिटरमिनेंट इसका डायरेक्ट जीरो के इक्वल हो जाना था। अब मैट्रिसेस यहाँ पे एंड होता है, अब क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। मीटिंग शुरू कर, कोई क्वेश्चन आपका? अभी नहीं, लेकिन ये लेक्चर यूट्यूब पे जल्दी से अपलोड कर देना क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा मिस कर दिया था जिसकी वजह से बाकी थोड़ा इतना खास समझ नहीं आई। चले ठीक है, वो हो जाएगा आपका। अभी एंड पे मैंने बताया ना हमने क्या क्या पढ़ा है,
उसमें से कोई वो चीज समझ आप आ गया। सब कुछ समझ आ गया। अब जो क्वेश्चन है ना, यस असल में 3x3 मैट्रिक्स से ज्यादा का क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं आता, तो इसीलिए जो है ना, जो जनरल फॉर्म है डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की, आप खाली वो ही याद रख लें, कैसे हम निकालते हैं वो याद रखने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। ओके और अगर आप क्वेश्चन देखें भी ना, तो 3x3 का वो ज्यादा से ज्यादा डिटर्मिनेंट पूछ लेता है, इनवर्स बहुत कम जो है ना क्वेश्चन में इनवर्स पूछता है वो। तो इनवर्स के लिए हमारे पास एडजॉइंट भी चाहिए होता है, एडजॉइंट के लिए हमने जो है ना सारे को फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तो वो बहुत लंबा काम है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में वो अगर 3x3 मैट्रिक्स में जाएगा भी, तो वो इसका इनवर्स ही पूछेगा, मतलब डिटर्मिनेंट ही पूछेगा। और कोई क्वेश्चन अभी, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल सॉल्व किया है, उसमें रो थी हमारे पास 0, -5, -10, तो अब मैं उस नंबर को 1 में लाने के लिए ऑब्वियसली मैं -5 से डिवाइड करूंगा, तो पूरी इक्वेशन में जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री थी वो 1 होती, तो उस केस में वो हमारा 1/5 -1/5 हमारा स्केलर था। असल में हमने जाना एचलॉन फॉर्म में है, तो उसके लिए अगर हमारे पास वहां नंबर 3 भी होता, मतलब कोई भी फर्स्ट एंट्री हमारे पास 3 है, उसको आपने 1 करना है, तो आप पूरी रो को 3 से डिवाइड करते, ठीक हो गया। अब जरूरी नहीं, अब वो हो सकता है कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में अगली एंट्रीज आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हर एंट्री 3 से डिवाइड होगी हमेशा। और कुछ अभी इसके क्वेश्चन जो है ना वो हम कल करेंगे, मतलब इसी मैट्रिसेस के काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं मैट्रिसेस के, तो वो अब हम जो है ना कल देखेंगे, आज ये जो है ना हाली लेक्चर ही है। लास्ट क्लास में भी मैंने मैट्रिसेस ही पढ़ाए थे, उसमें मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस की जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना कैसे है। ठीक हो गया, yes. तो कोई क्वेश्चन नहीं है फिर आपका? No. फिर एंड कर दें सेशन। Sure. चलें ठीक है।